हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं IISER 2020 काउंसलिंग के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, IISER 2020 का जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुका है हर एक चैनल के लिए। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से आप IISER 2020 का काउंसलिंग के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं, SCB, JEE, KVPY काउंसलिंग चैनल के लिए किस तरह से काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि अगर IISER 2020 का कोई भी नया अपडेट या न्यूज आती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं काउंसलिंग प्रोसीजर के लिए अप्लाई करना। तो गाइस, उसके लिए सबसे पहले सिंपली आपको क्या करना होगा, आपको अपने किसी भी ब्राउजर पे google.com ओपन करना है और वहां पे सर्च करना है IISER 2020 काउंसलिंग और उसके आगे लिखना होगा cet.co.in। अब गाइस, आप लोगों का cet.co.in लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये एक ऐसी एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पे आप सिंपली एक क्लिक के थ्रू आसानी से अपना जो काउंसलिंग है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इसे जो है गूगल में सर्च कर लेना होगा और गूगल में सर्च करते जो सबसे पहला रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है आपको सिंपली उसे क्लिक करके उसे ओपन कर देना है। अब गाइस, जैसे आप उसे क्लिक करके उसे ओपन करेंगे तो आप लोगों के सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे आप देख सकते हो ऊपर ही लिखा हुआ है IISER एडमिशन 2020 काउंसलिंग स्टार्टेड। और गाइस, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करूंगा, तो वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली यहां पे आ सकते हैं। और यहां पे आने के बाद आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा यहां पे नोटिफिकेशन कॉलम पे, जहां पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है क्लिक फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग। तो गाइस, आपको क्या करना है, सिंपली यहां पे दी हुई लिंक पे क्लिक करना होगा। अब जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करते हो तो आप डायरेक्टली एक न्यू पेज पे चले आएंगे, न्यू टैब पे चले आएंगे गाइस, जिसका इंटरफेस आप लोगों को कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो गाइस, देख सकते हैं आप यहाँ पे आने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। और गाइस, यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं SCB काउंसलिंग। सो गाइस, यहाँ पे आपको दो लिंक प्रोवाइड करा देगी, तो जो पहली लिंक है ये गाइडलाइंस है, आप चाहे तो किस तरह से आपको काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है उस पर क्लिक करके आपके सामने जो एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, PDF ओपन हो जाएगा, वहां से आप जो कंप्लीट डिटेल्स चेक करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हर एक चीज आप वहां से जान सकते हैं। उसका सिंपली आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आप न्यू टैब पे चलेंगे, न्यू पेज पे चलेंगे जहां पे आपसे यूजर आईडी मांगा जाएगा। तो गाइस, आपको अपना यूजर आईडी वहां पे डाल देना है और उसके बाद आपको अपना पासवर्ड सिंपली एंटर करके लॉगिन पे क्लिक देना होगा और वहां से आप अपने प्रोफाइल में लॉगिन हो जाएंगे और वहां से आप जो डायरेक्टली आसानी से अपना काउंसलिंग के लिए जो है आगे का प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से गाइस, नीचे आप देख सकते हैं यहां पे जी एडवांस के लिए भी यहां पे लिंक प्रोवाइड करा दिया, सिंपली इस लिंक पे क्लिक करके आप न्यू पेज पे चलेंगे जहां से आप जो जी एडवांस के काउंसलिंग के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं। और उसी तरह से थोड़ा नीचे आने पे यहां पे आपको KVPY काउंसलिंग का भी यहां पे टाइम दे दिया गया है। तो गाइस, उसी तरह से आप यहाँ पे तीनों ही चैनल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे आपको डेट भी दे दी गई है कि 27 तारीख की लास्ट डेट है, यानी कि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है गाइस, तो आपको जो है 27 तारीख के पहले पहले जो फर्स्ट राउंड जो है उसके लिए जो है आपको काउंसलिंग के लिए जो है यहाँ पे अप्लाई करना होगा। सो गाइस, आई होप कि अभी आप लोगों को जो है IISER 2020 काउंसलिंग में कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी रजिस्टर होने में। अगर फिर भी कोई भी इश्यू हो, कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो के माध्यम से हेल्प हुई, वीडियो नॉलेजेबल रहा हो, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।